I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a इस वीडियो का पार्ट टू भी आया जाए जिस रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं। आज शटल देखे ये भाग रहा है इधर उधर। सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चे यहाँ पे रोज डेली बैडमिंटन खेलते हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बैडमिंटन अच्छे से खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अच्छे से खेल रहे हैं या मतलब यूं ही आते हैं खेल के चल जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस जगह खेलते हैं। आपने देखा ही होगा जैसे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो मैं इनसे जाता हूँ और इनके बीच में एक मैच भी करा सकते हैं अपन। लेकिन उससे पहले इनसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि इनको आते भी है या नहीं आते हैं। और कैसे खेल रहे हो? बढ़िया खेल रहे हो। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारे से कुछ पूछता हूँ, उसके आंसर बताना। एक सेकंड रुको। चलो आप बताओ कि सर्विस कहाँ से की जाती है शुरू वाली, और कैसे की जाती है? राइट साइड। हाँ चलो, तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते। ठीक है, बट कमर से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, और अब ये बताओ कि जो ये कोर्ट का ये पूरा रहता है उसका क्या डायमेंशन पूरा क्या होता है? यहाँ से बताओ, लाइन से बताओ, लाइन से फीट होता है। और अगर इसकी ब्रीथ की बात करें तो 18 फीट। कैसे? इस लाइन से उस लाइन तक 18 फीट। ठीक है चलो, इतना तो पता है। अब ऐसा करते हैं, तुम्हारे बीच में एक मैच करा देते हैं। तो जैसे कि मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और इन्होंने अच्छे से अच्छे आंसर दिए हैं, अब इनके बीच में एक मैच करा देते हैं, और जो जीतेगा उसे एक न्यू बैडमिंटन दे देंगे, और जिससे ये और आगे अच्छे से खेल सके। तो चलो इनका एक मैच करा ही देते हैं। तो जैसे कि अब हमें दो बच्चे मिल गए हैं खेलने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, जो मैच जीतेगा उसे एक बैडमिंटन दिया जाएगा, और दोनों ही बहुत खुश लग रहे हैं मुझे। तो अब चलो इनका टॉस करा देते हैं, और कैसा लग रहा है तुम्हें पहले ये बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम्हें? अच्छा। अच्छा ठीक है, अब करा देते हैं इनका टॉस। अब देखते हैं कि टॉस कौन जीता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टॉस जीता है ये छोटू। तो इसका नाम छोटू नहीं है, इसका नाम विपिन है। और अब इनसे पूछते हैं कि सर्विस करना चाहते हैं या कोर्ट लेना चाहते हैं। तो बताएं आप, सर्विस या कोर्ट? कोर्ट, ये वाला। कोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि इधर वाला। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका गेम, और सर्विस कराएंगे ये भैया, इनका नाम है किट्टू। तो अब चलो देखते हैं इनका पूरा मैच, जिसके अंदर 15 के 2 सेट होंगे और एक 21 का सेट होगा। तो अब इनका मैच स्टार्ट करवाते हैं। लव ऑल प्ले। फर्स्ट ही सर्विस, और इनकी सर्विस यहाँ नीचे गिरते हुए। तो चलो सेकंड। अब जैसे कि अपन इस साइड आ चुके हैं, और गेम का 15 पॉइंट्स का लास्ट बस चल ही रहा है, और 11-13 चल रहा है स्कोर। तो अब देखते हैं। सो फर्स्ट मैच के विनर हैं किट्टू, और इसका सेकंड मैच अभी थोड़ी देर में स्टार्ट किया जाएगा। देखो स्पोर्ट्समैनशिप। तो अब करने वाले हम सेकंड मैच स्टार्ट इनका। लव ऑल प्ले।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैच जीते हैं ये वाले भैया, जैसे कि आपने देखा है पूरा मैच खत्म हो चुका है और ये भैया जीत चुके हैं। तो अब तीन में से दोनों ये एक एक मैच जीत चुके हैं, तो अब देखते हैं लास्ट मैच 21 पॉइंट का होगा और कौन जीतता है। थोड़ी देर का रेस्ट करा के फिर उसके बाद मैच स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं फाइनल मैच स्टार्ट और वो होगा 21 पॉइंट का। और दोनों भाइयों को देख लो, दोनों भाई मजे से कर रहे हैं। और ये भाई कब से रुके हुए हैं खेलने के लिए, कब से कह रहे हैं भाई खिला दो। तो ये फाइनल मैच चल रहा है इनका और स्कोर चल रहा है 5-4। कौन जीतेगा? स्कोर चल रहा है 10-11। अब स्कोर चल रहा है 18-13। स्कोर हो चुका है 19-13। और ये गेम पॉइंट और खत्म। ओह माय गॉड, ये तो मैच खत्म हो चुका है और मैच के विनर है। आपको कैसा लग रहा है जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है भैया? हार के भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि आगे भी और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। चलो, मेरे को बुरा लग रहा है, मैंने अपने बेस्ट सर्व करा। कोई बात नहीं, ऐसे ही अपने साथ खेलते रहो। वाले भैया तो टूर्नामेंट खेल के भी आए हैं और ये अभी कोशिश कर रहे हैं, जाते हैं कहीं खेलने। तो चलो अब इनका गिफ्ट लाया जाता है और इन भैया को भी ऐसे नाराज नहीं करेंगे, एक और गिफ्ट इनके लिए भी लाएंगे। तो गाइस ये है उनका रैकेट, और ऐसे नहीं है कि ये कवर ही है, इसके अंदर रैकेट भी है। तो भैया आप ये रखिए और ये रैकेट को मुझे दे दीजिए और आप देखिए आपका नया रैकेट। थोड़ा पास से आके दिखाएं इनका रैकेट। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए सही है या टूटा फूटा तो नहीं है कहीं से? नहीं, पूरा सही है, पूरा सही है, फिक्स ही है। तो ऐसे इन भैया के लिए भी कुछ है, ये आप वापिस से आपके पास रखिए। अपन देंगे इनको इस बार तो शटल, और इसके बाद जब भी ये कभी मैच करवाते हैं तो उसके बाद ये भी जीतेंगे तो इनके लिए भी वापिस से बैडमिंटन या कोई प्राइज रखेंगे, इससे और अच्छा रैकेट ला सके या बैडमिंटन ला सके। तो लीजिए भैया आपके लिए ये शटल है, तो आप ऐसे ही खेलते रहिए और दोनों भाई दोनों मस्त रहिए और खुश रहिए। एक लेटेस्ट न्यूज आई है एक भैया के साथ, जो कि ये भैया बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं वापिस बताएं? कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आया जाए जिससे आपकी उत्सुकता बढ़े। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अच्छा, तो ये भैया कह रहे हैं कि मैं भी जीतना चाहता हूँ। मेन बात तो ये है कि मैं भी जीतना चाहता हूँ और सेकंड पार्ट इसका कराया जाए। तो ठीक है, एक और सेकंड पार्ट भी कराएंगे, इनको भी जरूर अगर ये जीतते हैं तो इनको भी दिया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ एक मैच खेलो। चलो ठीक है, एक भाई बच्चों के कहने पे एक मैच मैं भी खेल लेता हूँ, तो चलो खेलते हैं। खेल लिया मैंने मैच, तो चलते हैं खत्म करते हैं पूरा वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। और चलो चलते हैं, ये रहा छोटू, ये बहुत खुश है आज शटल लेके, ये भाग रहा है इधर उधर, ये कहाँ जाएगा कैमरे की।